हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरदविंदर। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक HTML वेब पेज के अंदर टेबल्स बना सकते हैं। टेबल कैसे बना सकते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं, THTR क्या होती है, ये हम सीखने वाले हैं। डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक टेबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये, और ये कैसे बनाना है और इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, CSS के साथ इसकी हम स्टाइलिंग भी करेंगे। तो फर्स्टली यू शुड नो कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं रोज, और अगर वर्टिकली देखें तो ये होते हैं कॉलम्स। अगर हम इस रो की बात करें, डेज, पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, दिस इज़ अ फर्स्ट रो, एंड द सेकंड रो इज़ मंडे, कंप्यूटर, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, साइंस, गेम्स, SST, म्यूजिक, दिस इज़ अ सेकेंड रो। तो दीज आर द रोज, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स, और कॉलम्स आर लाइक वर्टिकल्स, जैसे डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो दिस फॉर्म में, अगर वर्टिकल फॉर्म में देखें तो ये कॉलम्स होते हैं। तो रोज़ एंड कॉलम्स का आपको पता ही है। तो कैसे आपने ये टेबल डिज़ाइन करना है HTML में, और उसके बाद इसकी स्टाइलिंग भी करेंगे CSS की हेल्प से। तो शुरुआत करते हैं कैसे करना है। तो पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, नया टेबल बनाते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी नोट पैड या कोई भी हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, IDE होते हैं कुछ HTML को डिज़ाइन करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको HTML की ऑलरेडी है, ये अज्यूम किया जाता है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो रूट एलिमेंट होता है, जो रूट एलिमेंट होता है वो HTML होता है। HTML आपने क्लोज़ करनी होती है और ओपन करनी होती है। उसको ओपन करने के बाद हेड का टैग होता है ओपन, उसके अंदर टाइटल लगाना होता है आपने, और टाइटल सपोज हम दे देते हैं माई फर्स्ट टेबल, सिंपल आप दे देते हैं टेबल, टाइम टेबल देते हैं टाइम टेबल, सो दिस इज़ आर टाइटल। तो यहाँ पे आप इसकी स्टाइलिंग के लिए कॉलम बना लेंगे, बाद में इसकी स्टाइलिंग कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप शुरू करते हैं बॉडी। तो लेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी वेब पेज पे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बॉडी के अंदर होता है। सबसे पहले तो हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग वन दे देते हैं हम, हेडिंग वन में देते हैं माई क्लास टाइम टेबल, हेडिंग वन क्लोज। उसके बाद हेडिंग टू दे देते हैं हम, हेडिंग टू में हम लिखेंगे माई क्लास का नाम, क्लास मान लो है सेवन्थ। तो ये पहले तो इनको चेक कर लेते हैं इस के सही बन भी रहा है या नहीं। पहले H1 और H2 की हम स्टाइलिंग कर देते हैं, H1 और H2 की स्टाइलिंग कर देते हैं दोनों के इकट्ठे, और इनको टेस्ट लाइन सेंटर कर देते हैं सेंटर। तो सेव करना होता है आपको पता ही है, फाइल में जाके सेव क्लिक करते हैं। उसके बाद कहाँ पे सेव करना, लोकेशन आपने डिसाइड करनी होती है, और मेरे केस में मैं इसकी लोकेशन डेस्कटॉप ही रखूँगा, ईजी रहेगा मेरे लिए। होम पे जाके डेस्कटॉप का एक फोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ फर्दर, और फोल्डर का नाम रख लेते हैं माई टेबल, और उसके अंदर मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव फाइल का नाम भी माई टेबल डॉट HTML रख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेज रेडी है माई टेबल में। HTML को ओपन करते हैं, किसी भी वेब ब्राउज़र में खोल सकते हैं। ये हमारे हेडिंग्स रेडी हैं, सेंटर में अलाइन हो गए हैं। अब हमने शुरू करना है टेबल। तो टेबल के लिए ध्यान रखिए बच्चों, सबसे पहले हम टेबल टैग ओपन करते हैं, टेबल टैग, और टेबल को क्लोज करते हैं। इसके अंदर सारा टेबल अपना जो रोज़ हैं कॉलम्स हैं इसके अंदर डिजाइन करेंगे हम। तो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं, टेबल हमने बनाना कैसे है, साथ के साथ उसकी स्टाइलिंग भी करते जाएंगे। इसका बॉर्डर स्पेसिफाई कर देते हैं। बॉर्डर में तीन चीज़ें होती हैं, पहले होता है इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं। मान लो मैं इसका 2 पिक्सल साइज़ रखना चाहता हूँ, और सॉलिड इसकी आउटलाइनिंग कैसी होनी चाहिए, जो टेबल का बॉर्डर है कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया। तो एक बार चेक कर लेते हैं, और इसकी विड्थ है जो टेबल की कितनी रखनी है, विड्थ हम परसेंटेज में रख लेते हैं 100%, फुल स्क्रीन पे बॉर्डर देखना चाहते हैं हम टेबल का। तो ये टेबल की एक लाइन है, क्योंकि इसमें अभी कोई रोज़ हमने डाली नहीं है, 100% हमने दिखा है। थोड़ी सी हाइट भी मैं अगर इसकी मेंशन कर दूँ, हाइट भी अगर हम इसकी 70% मेंशन कर देते हैं, तो आप देख लोगे तो टेबल की हाइट जैसे जैसे रोज़ बनाएंगे हाइट के, वैसे वैसे ये आगे डिफाइन होती जाएगी। तो फिलहाल अपना टेबल का जो विड्थ सेट हो गई है,
सबसे पहले हमने शुरू करनी होती है रो, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो टी आर से होता है, टी आर होता है टेबल रो। तो फर्स्ट रो शुरू कर लिया, फर्स्ट रो के अंदर हमने फर्दर कॉलम्स बनाने हैं। तो पहला जो कॉलम है मेरा वो है, मैं उसमें डेज एंड पीरियड का हेडिंग देना चाहता हूँ। मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ तो फर्स्ट जो हेडिंग है उसमें देना चाहता हूँ डेज और पीरियड का हेडिंग। तो टी एच को हमने क्लोज कर देना, ओपन करेंगे डेज एंड पीरियड का फर्स्ट। हाइट हटा देते हैं, हाइट से बाद में सेट कर देंगे, 100% आ रहा है। डे एंड पीरियड का फर्स्ट कॉलम बन गया अपना। जो सेकंड कॉलम है वो बनाना चाहता हूँ मैं अपना फर्स्ट पीरियड लिखने के लिए। तो अब देखोगे सेकंड कॉलम यहाँ पे फर्स्ट पीरियड आ गया, लेकिन ये बीच में बॉर्डर शो नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने बॉर्डर टी आर का और टी एच का, टी एच का बॉर्डर सेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सेम सेम बॉर्डर जो हमने टेबल के लिए लगाया वो टी एच के लिए भी लगाएंगे। तो अब कंट्रोल एस करके अगर हम रिफ्रेश करके देखें तो बॉर्डर आ गया यहाँ पे, अपना डे पीरियड सेकंड कॉलम बन गया फर्स्ट के लिए। जैसे ऐसे कॉलम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी एडजस्टमेंट होती जाएगी। ये सेकंड कॉलम के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जो फर्स्ट के लिए बनाया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये बन गया अपना सेकंड कॉलम, सेकंड पीरियड के लिए कॉलम, सेकंड पीरियड के लिए कॉलम बन गया। और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे फर्स्ट सेकंड दोनों आ गए हैं। तो बच्चों अब मैंने थर्ड के लिए सेम टी एच थर्ड के लिए बना देना, ऐसे मैंने लिख दिया थ्री। तो उसके बाद फिर से टी एच आपने ओपन करना है और अब मैं लिखूंगा फोर, तो फोर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे फाइव, तो सिमिलरली सिक्स, उसके बाद सेवन, लास्ट का टी एच टाइप ही कर देते हैं हम और कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, एट्थ। तो अपनी फर्स्ट रो है जो रेडी हो गई है, फर्स्ट रो रेडी हो गया जो हेडिंग्स हमने दिए हैं। तो अब हमने फर्दर इसमें डाटा एंटर करना है, तो अब हमने सेकंड रो शुरू करनी है। तो ये देखा था हमने, ये फर्स्ट रो हमने यहाँ पे शुरू की थी, उसके अंदर ये सारे सेल्स हमने डाले थे और ये रो को हमने क्लोज कर दिया। अब हमने शुरू करनी है सेकेंड रो। तो सेकेंड रो शुरू करने के लिए हम टी आर ओपन करते हैं, टी आर क्लोज करते हैं। अब हम आ गए हैं सेकेंड रो में। तो सेकंड रो में सबसे पहला कॉलम हम लिखना चाहते हैं वो डे का नेम, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ मंडे, और इसको सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट सेल आ गया मंडे। और फर्स्ट पीरियड कौन सा है ये लिखने के लिए टी एच मैं लिखता हूँ, मान लो अपना फर्स्ट पीरियड है कंप्यूटर, सेव करोगे तो सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कंप्यूटर आ गया। और दोबारा से टी एच लिख के जो सेकंड पीरियड है मान लो आपका है इंग्लिश, सपोज जो भी आपका है आप उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पीरियड में इंग्लिश आ गया और थर्ड पीरियड में फिर से हम ट्राई करेंगे पंजाबी, और ऐसे ही फोर्थ पीरियड में हम ट्राई करेंगे हिंदी, और फिफ्थ पीरियड में हम ट्राई करेंगे साइंस। इसमें रिफ्रेश करना होता है आपने, हर बार मैं टाइप करता हूँ साथ के साथ इसकी आउटपुट चेक कर रहा हूँ। तो इसमें हम लास्ट में सोशल साइंस, मान लो SST लिखना चाहते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं सोशल, चलो पूरा ही लिख देते हैं हम। और उसके बाद मान लो आप लिखना चाहते हो गेम्स, मान लो लास्ट में आप लिखना चाहते हो मैथ्स। तो बच्चों ये अपनी सेकंड रो है वो रेडी हो गई है। अब देख रहे हो फर्स्ट रो भी कंप्लीट होगी, सेकंड रो भी कंप्लीट होगी। अब हमने बनानी है थर्ड रो। थर्ड रो के लिए सेम रो ही है, सेम है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमने सेकंड रो बनाई है ना इसको कंप्लीटली कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी शॉर्टकट है कॉपी के लिए, आप राइट क्लिक करके भी ऐसे कॉपी कर सकते हैं और एंटर दबा के यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके माउस से पेस्ट हो जाता है। होपफुली आपका मेनली वीकली सेम सेम लेसन सेम टाइम टेबल ही हो सकता है, तो केवल आप डे चेंज कर सकते हैं। जो भी माइनर चेंजेस है कि यहाँ पे मान लो कंप्यूटर की जगह और कोई लेसन है ट्यूसडे को,
तो माइनर चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज सेम कॉपी चल जाती है। तो हम कंट्रोल एस शॉर्टकट है, सेव करना होता है हर बार आपने, जब भी चेंजेस करते हैं दोबारा से सेव करना होता है, और यहाँ पे आके आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना होता है ऐसे। तो अपना सेकेंड ट्यूजडे के स्पेलिंग गलत हो गया, TUE। तो बच्चों आपका सेकेंड रो भी रेडी है। तो सिमिलरली कॉपी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट रो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ मंडे की जगह आप कर दो ट्यूजडे की, ट्यूजडे था वेंसडे, वेंसडे कर दिया आपने। अगर कोई अभी चेंजेस हैं माइनर चेंजेस वो कर सकते हैं। वेंसडे के बाद यहाँ पे कर देते हैं थर्सडे, और यहाँ पे कर देते हैं फ्राइडे, जो लास्ट में हम लिख देते हैं सैटरडे, और रिफ्रेश करेंगे तो अपना पूरे वीक का टाइम टेबल है वो रेडी है। तो अब इसकी स्टाइलिंग करनी है हमने, CSS से इसको और अट्रैक्टिव बनाना है। माई क्लास वीकली कर देते हैं यहाँ पे वीकली। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हमने इसको और अट्रैक्टिव बनाना है, इसमें और स्टाइलिंग करनी है CSS से। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए कि कैसे आपने फर्स्ट रो शुरू की, उसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम ऐड किया, फर्स्ट कॉलम के बाद सेकंड कॉलम ऐड किया, थर्ड कॉलम ऐड किया, ऐसे ऑल कॉलम्स ऐड करके एंड में ये रो को आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने सेकंड रो शुरू की, उसके अंदर फर्स्ट कॉलम में आपने मंडे लिखा, सेकंड कॉलम में आपने कंप्यूटर लिखा, ऐसे करते आपकी सेकंड रो कंप्लीट होगी। तो हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं हम बच्चों, आप आउटपुट में देख रहे हैं कि पहले हमने टेबल शुरू किया, टेबल के अंदर हमने उसकी स्टाइलिंग कर दी कि उसका बॉर्डर कितना चाहिए, सॉलिड ब्लैक और विड्थ कितनी चाहिए। ये हमने स्टाइलिंग करने के बाद हमने फर्स्ट रो शुरू की, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो रो कंप्लीट होगी। रो को क्लोज़ किया, सेकंड रो हमने शुरू की तो उसको कंप्लीट किया, उसको क्लोज़ किया, और फिर देन थर्ड रो। सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद हमने उसको कॉपी कर लिया और थर्ड के लिए पेस्ट कर दिया, जो माइनर चेंजेस थी वो हमने कर दी। तो इस तरह से आप एक बार टेबल बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए इस कोड को। अगर कोई डाउट हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड, ट्राई दिस।